students, today we are going to study maths of my primary mathematics book. In previous class we learnt about length. Today we are going to study measuring length. Length में क्या पढ़ने वाले हैं, दो तरह के units होते हैं, एक standard units और एक non-standard units. Standard units are what we usually used to measure things like weight, length and volume. Standard units उसे कहते हैं जैसे scale, measuring tape. इसे एकदम exact पता चल जाएगा कितना मीटर कितना सेंटीमीटर है. लेकिन ये आप बड़े क्लास में पढ़िएगा. यहाँ पर कुछ नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ. लुक एट द पिक्चर्स केयरफुली. वी कैन यूज हैंड स्पैन, ह्यूमन फीट, स्टिक्स, क्यूबिट्स फॉर मेजरिंग लेंथ. यहाँ पर कुछ पिक्चर दिए गए हैं बच्चों, जिसको ध्यान से देखिए. यह है स्ट्राइड, यह ए हैंड स्पैन, यह पाम और यह ए क्यूबिट. अब हम लोग को समझना है कि ये नॉन स्टैंडर्ड यूनिट से मापते कैसे हैं. पहले हम ये समझे स्ट्राइड किसे कहते हैं. आपको ये पिक्चर देख करके हिंट तो मिल ही गया होगा. स्ट्राइड इज द डिस्टेंस कवर्ड व्हेन यू टेक टू स्टेप्स वन विथ ईच फुट. स्ट्राइड उसे कहते हैं जब हम पैदल चलते हैं तो पैर से नापते हैं, पैर से नापते हैं, कैची को नापते हैं, रूम के फर्श को नापते हैं, तो उसे स्ट्राइड कहते हैं. ये पैर यहीं रखेंगे, फिर ये पैर को आगे बढ़ाएंगे, फिर ये पैर जो आगे बढ़ा था उसको स्थिर रखेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे. इस तरह से कितना कदम है ये मापेंगे, तो उसको स्ट्राइड कहते हैं. अब बच्चों, अब हमारे दिमाग में प्रश्न उठ रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय हैंड स्पैन या व्हाट डू वी मीन बाय हैंड स्पैन. हैंड स्पैन किसे कहते हैं. हैंड स्पैन इज द डिस्टेंस फ्रॉम टिप ऑफ द थंब, फ्रॉम टिप ऑफ द थंब टू टिप ऑफ द लिटिल फिंगर ऑन एन आउटस्ट्रेच्ड हैंड. दिस इज आउटस्ट्रेच्ड हैंड. जब हम लोग बित्ता से नापते हैं तो थंब के एक टिप से लेकर के लिटिल फिंगर के लास्ट टिप तक मापते हैं. तो आप ए हैंड स्पैन समझते हैं बच्चों. पाम क्या होता है. पाम इज द लेंथ फ्रॉम द टॉप ऑफ योर मिडिल फिंगर टू द बेस ऑफ योर पाम. मिडिल फिंगर के एकदम लास्ट जो सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचाई में आता है, जैसे यहाँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक को वन पाम कहेंगे, ए पाम कहेंगे. इससे भी हम लोग बुक्स को माप सकते हैं. उसके बाद क्यूबिट्स, क्यूबिट्स देखिए कैसे नापते हैं. एक क्यूबिट, क्यूबिट किसे कहते हैं. पहले ये हम लोग समझे, ये इनके नापने के ढंग से हम लोग को समझ में आ जाएगा क्यूबिट किसे कहते हैं. क्यूबिट इज द लेंथ फ्रॉम द एल्बो टू द एंड ऑफ द फिंगर्स. क्यूबिट इज द लेंथ फ्रॉम द एल्बो, ये एल्बो से लेकर के एंड तक, फिंगर के एंड तक जितना जगह ऑक्यूपाई हुआ उसको एक क्यूबिट कहते हैं. एल्बो से लेकर के मिडिल फिंगर के एंड तक जितना स्पेस ऑक्यूपाई हुआ उसे एक क्यूबिट कहते हैं. तो ये है नॉन स्टैंडर्ड मेजरमेंट. अब हम लोग देखते हैं यूज डिफरेंट नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स एंड रिकॉर्ड द मेजरमेंट्स इन द बॉक्स. अब हम लोग क्या करेंगे, नॉन स्टैंडर्ड यूनिट से
डेस्क, क्लासरूम, ब्लैक बोर्ड, बुक कितना लॉन्ग है ये मेजर करेंगे। बच्चों यहाँ पर आप लोगों को मापना है। वन, माय डेस्क इज डैश क्यूबिट्स लॉन्ग। आपके घर में कोई डेस्क होगा, आप इमेजिन करिए कि डेस्क कितना क्यूबिट्स लॉन्ग है। जैसे यहाँ पर ये टेबल को यूज़ कर रहा है, इस तरह से कोई टेबल आपके घर में भी होगा उसको आप क्यूबिट से नापेंगे कि वो कितना क्यूबिट्स है। तो मुझे लगता है कि जो आपके घर में क्यूबिट्स से नापा हुआ टेबल है वो 4 क्यूबिट्स होगा आप छोटे बच्चों के हाथ से। या डाइनिंग टेबल को भी आप नाप सकते हैं कि वह कितना क्यूबिट्स है, और डाइनिंग टेबल 4 क्यूबिट्स होगा। उसके बाद अभी तो आप क्लासरूम में है नहीं, स्टडी रूम में है। स्टडी रूम में कितना स्ट्राइड्स लॉन्ग है आपका स्टडी रूम, ये आप लोग को पता लगाना है। तो यहाँ हम लोग स्ट्राइड को देख रहे हैं, पैदल चल करके पता लगाएंगे कि मेरा स्टडी रूम कितना लंबा है। आपका स्टडी रूम जब आप मापिएगा तो लगभग 20 होगा, लगभग। ये किसी का 20 से कम भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, और किसी का 22 भी हो सकता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उसके बाद ब्लैक बोर्ड तो आप लोग के घर में होगा नहीं, स्लेट हो सकता है। मेरे घर में ब्लैक बोर्ड है, मेरा ब्लैक बोर्ड 10 हैंड स्पैन लॉन्ग है, 10 हैंड स्पैन लॉन्ग। और उसके बाद फोर्थ, माय बुक इज डैश पाम लॉन्ग। आपके घर में बुक है, पाम से जब आप नापते हैं तो उसकी लंबाई कितनी होती है, ये पाम है, पाम से हम नापते हैं तो उसकी लंबाई 2 होती है। ये भी बुक आप और ज़्यादा बड़ा ले लेंगे तो 3 पाम्स भी हो सकता है, इसलिए इसमें लंबाई में थोड़ा अलग 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 बच्चों का आंसर होगा। मैं एक आंसर लिख दी ताकि आप लोगों को ज़्यादा कन्फ्यूज़न न हो। तो ये हम लोग देख लिए पेज 79 में बच्चों। अब पेज 80 में देखते हैं क्या है। इन पेज 80 बिलो आर गिवन सम ऑब्जेक्ट्स विच यू सी इन योर क्लासरूम। जब आप क्लास में होते हैं तब क्या क्या देखते हैं, एक ब्लैक बोर्ड देखते हैं, डेस्क देखते हैं, बेंचेस देखते हैं, बुक्स देखते हैं, और स्कूल बैग देखते हैं। तो इसका हम लोगों को नॉन स्टैंडर्ड मेजरमेंट करना है। ये आप करेंगे, आगे देखिए क्या है, टेबल, ब्लैक बोर्ड, डेस्क, बैग, बुक, इसका क्यूबिट्स में माप करके यहाँ पर लिखना है। हैंड स्पैन से भी इसी चीज़ को नापना है और यहाँ लिखना है, और पाम से भी इन्हीं चीज़ को मापना है और लिखना है। ये माप करके आप लिख करके भेजेंगे, ये अलग अलग बच्चों का अलग अलग आंसर हो सकता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होंगे। जिनको मापने पर जो लंबाई आया वो लिख करके भेजिएगा। जिनके घर में ब्लैक बोर्ड या बेंच नहीं है वो इमेजिन भी कर सकते हैं, इमेजिन करके भी कोई नाप लिख करके भेज सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि ब्लैक बोर्ड और बेंच आपके घर में भी हो, इसलिए तंग नहीं करना अपने पेरेंट्स को, जो समझ में आए वो लिख करके भेजना है। समझ में आ गया बच्चों? 79 और 80 आपका होमवर्क है, इसको आप बना करके भेजेंगे। थैंक यू।